अयोध्या दास राजकीय कन्या इंटर कॉलेज में शनिवार को पुरातन छात्रा सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि कॉलेज की पुरातन छात्रा रही राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी और पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। अतिथियों का स्वागत अयोध्या दास राजकीय इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य रेमी यादव ने पुष्पगुच्छ देकर किया। कॉलेज की छात्राओं ने अतिथियों का स्वागत गीत गाकर किया। कॉलेज की प्रधानाचार्य द्वारा पुरातन छात्रों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कॉलेज की पुरातन छात्राएं, शिक्षिका और वर्तमान छात्राएं मौजूद रहीं। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे और राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी ने कहा। ये बहुत ही खूबसूरत पल है।
फुलकार तालियां बजाइए। गुजना चाहिए। आज बहुत ही हर्ष की बात है कि आज वो दिन याद कर रही हूँ कि जब मैं पहले पहले बार इस विद्यालय में मेरा पहला कदम पड़ा था। वैसे तो मुझे बहुत प्यार है इस विद्यालय से, 79 बैच की मैं पास आउट हूँ। आज बहुत सी हमारी पुरानी सहेलियाँ मिली जो ये गोरखपुर में भी रहती हैं और बाहर भी रहती हैं, और संभवतः पूरी, और मैं यहाँ के प्रधानाचार्य जी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आज जो इन्होंने सम्मेलन किया ये वास्तव में एडी स्कूल का इतिहास रचा। और एक बात और भी कहना चाहती हूँ कि यहाँ की जो लड़कियाँ निकली हैं बाहर, वो अपने अपने क्षेत्र में नाम भी कर रही हैं, और नाम क्या, काम के साथ नाम कर रही हैं। इससे ये लगता है कि सरकारी स्कूल जो होता है वास्तव में ये नहीं है कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती, वहाँ संस्कारवान शिक्षा दी जाती है, और संस्कारवान शिक्षा ले के ही हम लोगों ने उस संस्कार को मेंटेन करते हुए जो जहाँ भी कदम बढ़ाया है वहाँ एक निशान खींचा है। वो लाइन खींचने के लिए आगे भी जो बच्चियां हैं उनका मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं कि वो भी इतिहास रचने के लिए, एक लाइन बनाने के लिए कृत संकल्प है और आगे बढ़ के इस विद्यालय का और भी नाम रोशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा नाम से जाहिर है कि पुरातन छात्राओं का सम्मेलन है, क्योंकि हम लोग यहीं के प्रोडक्ट हैं। 6th क्लास से इंटर तक की पढ़ाई हमने यहाँ की है, तो अपने घर के उसी पुराने आंगन में आकर बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी पुरानी सहेलियों से, अपने जूनियर से, अपने सीनियर से मिलकर पुराने दिन याद आ रहे हैं, और हम उनको जीवंत करने की कोशिश कर रहे हैं सबके बीच में एक बार आकर। तो स्मृतियाँ हैं, स्मृतियाँ जब अच्छी होती हैं तो बड़ा सुख देती हैं, और ये सुखद स्मृतियों में हम लोग अभी खड़े हैं। गोरखपुर की रहने वाली हैं? मैं गोरखपुर की पैदाइश हूँ, यही मेरा जन्मस्थल है, यहीं मेरी परवरिश हुई, शिक्षा दीक्षा यहीं पर हुई, और उसके बाद विवाह बिहार में हुआ, और फिर मेरी कर्मभूमि वो हो गई, और वहीं से होते हुए आज दिल्ली तक पहुंची हूँ, पक्षीपुर। धन्यवाद।